हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जतिन जतिन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग आपके काउंटर पार्ट को कैसे खुद हील करवा सकते हैं, आप उसको अपने आप से अवेकन करवा सकते हैं, आप कैसे खुद को उसके साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप खुद के इनर वर्क से उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकते हैं। सो गाइस, बिफोर डेट आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। सो गाइस, पहले तो आप लोग ये समझ जाइए कि आप लोग ऑलरेडी यूनियन में है, आप लोग ऑलरेडी यूनियन में है, लेकिन 3D यूनियन में ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके अंडर जितना भी कर्मिक बगेजेस है, जितना भी इश्यूज है, जितना भी आप लोग इनर वर्क कंप्लीट कर नहीं रहे हो, उसके वजह से आप लोगों को ये जो यूनियन, हार्मोनियस यूनियन या आपके काउंटर पार्ट को महसूस नहीं कर पा रहे हो। अगर आप खुद के ऊपर आपके इनर वर्क करने लगोगे, आप जितना भी इश्यूज हो लाइक शेम, गिल्टी, एपथी, एंगर, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, शेम, ये सब जितना भी लो वाइब्रेशन का जितना भी है, जेलेसी, लोगों को जज करना, लोगों को ब्लेम करना, जितना भी इश्यूज है, जितना भी मतलब एनर्जी बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अंदर खुद के अंदर जो आपके काउंटर पार्ट ऑलरेडी आपके अंदर है, जिस जो इश्यूज वो सब के वजह से वो सब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके वजह से आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए पहले खुद को ठीक करिए, खुद की जितना भी इश्यूज है वो सब ठीक करिए। उसके बाद धीरे धीरे आपके जितना भी इश्यूज हील होते जाएंगे, आप जितना भी पॉजिटिव होके जाओगे, आप जितना भी एक्सेप्टेंस पे आओगे, जितना भी न्यूट्रलिटी में आओगे, लव की एनर्जी में आओगे, जॉयफुल फील करोगे, तब क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर से इशूज़, जितना भी आपके अगर कोई कार्मिक बेगेजेस है, कार्मिक अभी भी आपके साथ है या कुछ भी है, आप खुद के ऊपर वो कार्मिक के ऊपर फोकस ना करके आप खुद के ऊपर काम करने लगोगे, जितना भी टॉक्सिसिटी है, जितना भी बाहर से मतलब कोई टॉक्सिसिटी, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, आपको अंदर से फील हो रहा है कि कोई भी कुछ भी कर ले, अभी मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, ऐसा फील करने लगोगे जब, तब क्या होगा, आप खुद ब खुद फील करोगे आपके काउंटर पार्ट आपके साथ ही है, आपके साथ है। आप तब क्या फील करोगे, आपके अंदर के जो हार्मोनियस 5D यूनियन है वो आप अंदर ही फील करोगे कि वो यूनियन हो चुका है या आप यूनियन में ही हो। तब क्या करना, आप आपके काउंटर पार्ट के साथ मेडिटेशन पे बैठना, मेडिटेशन पे बैठ के आप उसको गाइड करना कि कौन सी चक्रास, कौन सी क्या चैंटिंग करने से चक्रास ओपन होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके साथ साथ आप खुद को भी प्रोटेक्ट करना। मेडिटेशन पे आप बैठिए, आपके माइंड को पहले प्राणायाम से हील कीजिए, प्राणायाम से माइंड को शांत कर लीजिए, पूरा शांत कर लीजिए, उसके बाद आपके अंदर आपके मतलब ऊपर से जितना भी डायमेंशन है, उस डायमेंशन से 5D हो, 6D हो, 7D हो, 8D हो, 9D हो, 10D हो, 11D हो, उस डायमेंशन से आपके एक वाइट क्रिस्टल क्लियर वाटर आपके माइंड पे आ रहा है, आपके क्राउन चक्रा से आपके बॉडी पे पूरा स्प्रेड हो रहा है, वो सब करते करते आपका माइंड इतना शांत हो जाएगा कि आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। उसके बाद आप क्या करना, आप मेडिटेशन पे बैठ के पहले ओम चैंटिंग करना। ओम चैंटिंग करने के टाइम आपके खुद के अंदर आपके काउंटर पार्ट को ले लेना, आप
फील करना कि आपके काउंटर पार्ट की थर्ड आई और आपकी थर्ड आई एक साथ है। एक साथ होके आप ओम चैंटिंग करना। ओम चैंटिंग करने के टाइम विजुलाइज करना कि दोनों ओम चैंटिंग कर रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट भी ओम चैंटिंग कर रहे हैं और आप भी ओम चैंटिंग कर रहे हो। उसके बाद धीरे धीरे आपके नीचे के चक्रास को फिर से जो मूलाधार चक्र की चैंटिंग है, जो बीज मंत्र है लाम, उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्र की, सैक्रल चक्र की, हार्ट चक्र की, थ्रोट चक्र की, थर्ड आई चक्र की, क्राउन चक्र की, वो सब चैंटिंग करके फिर से आपके डिवाइन 11 डायमेंशन से आप वाइट क्रिस्टल वाटर आपके तरफ आके आपके बॉडी के जितना भी डिटॉक्स, जितना भी एनर्जी है, जितना भी बॉडी के पार्ट्स है, वो सब को हील करके जा रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट के हील करते जा रहे हैं। उसके बाद नीचे से भी जितना भी मदर अर्थ के जितना क्रिस्टल क्लियर वाइट वाटर नीचे से कर मूलाधार चक्र से आके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पूरा बॉडी में वाइट क्रिस्टल लाइट की तरह हो रहा है। ऐसे करके जितना भी करके, और ये मेडिटेशन जब आप करोगे वो आप फ्लोर पे बैठ के मत कीजिए, कहीं चेयर पे बैठिए या कहीं बेड पे बैठ के आप कीजिए। उसके बाद ये विजुलाइज करना कि आप के आप जिसको भी मानते हो, राधा कृष्ण का मानते हो या शिव शक्ति को मानते हो, उनसे एक वाइट ब्राइट क्रिस्टल क्लियर बॉल, एक आर्कएंजल माइकल और एंजल गैब्रियल, उनसे लेके आके आपको अंदर से मतलब पूरा चारों ओर आपके काउंटर पार्ट और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा करिए। उसके बाद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो और उससे लॉक नहीं हो रहे हैं, तो आप फिर से ऐसा कीजिए कि क्राउन चक्र से रूट चक्र और लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक मंत्र जाप कीजिए, जिसको भी आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, शिव शक्ति को मानते हो, उनका नाम लेके 3 बार क्रिस क्रॉस कीजिए, क्राउन टू रूट, लेफ्ट टू राइट शोल्डर। उसके बाद क्या होगा, आपकी ऑरा भी लॉक हो जाएगा और आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। और जब भी आप करके मेडिटेशन करके उठोगे, उसके बाद आपको इस मेडिटेशन में जिसने आपको हेल्प किया है उन लोगों को थैंक्स कीजिए। थैंक्स करके आराम से आपके आँखें खोलिए और थोड़े देर के लिए उस जगह पे ही बैठिए। बैठने के बाद आप किसी से भी जो थोड़ा सा आपकी एनर्जी डाउन करते हैं, ड्रेन करते हैं, उनसे बात मत कीजिए, थोड़े से रिलैक्स होके उस रूम पे ही बैठिए। अच्छे से बैठ के पानी पीजिए, 1 या 2 ग्लास पानी पीजिए। उसके बाद आप बहुत ही मतलब पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन फील करोगे। और जब आप ये करने लगोगे, मैं आप लोगों को श्योर दे रही हूँ, आपकी हारमोनियस यूनियन, आपकी 5D यूनियन जरूर आप पालोगे। और 5D यूनियन ही मतलब अल्टीमेट यूनियन है। आप लोगों का जितना भी विजुलाइज करना है, शादी का विजुलाइज करना है, कुछ भी करना है, आप लोग वो मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप लोग का इश्यूज हील हो चुका है तो कीजिए, लेकिन उससे पहले आप लोग का इश्यूज हील होना पड़ेगा। आप लोग डायरी में आप लोगों का इश्यूज हील लिखिए और धीरे धीरे वो सबको लिख के हील करते जाइए और आपका धीरे धीरे 5D यूनियन तक पहुंच जाइए। क्योंकि आपके जो 11 पोर्टल, उस टाइम तक के लिए बहुत सारे लोगों का 5D यूनियन होगा ही होगा। मैं श्योर दे रही हूँ आपका 5D यूनियन ज़रूर होगा। और 5D यूनियन अगर हो गया तो बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका 3D यूनियन पॉसिबल है। तो यही था मेरा आज का वीडियो अबाउट आप कैसे खुद के साथ साथ आपके काउंटर पार्ट को भी हील कर सकते हो, अवेकन कर सकते हो और उनके अंदर ही उसको महसूस कर सकते हो 24/7 hours। सो होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो आप
आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.